राशन कार्ड के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जम्मू कश्मीर के तमाम आम शहरियों के लिए। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि राशन कार्ड की जो डेडलाइन थी वो 31 मार्च तक थी, अब उसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। राशन कार्ड को आधार कार्ड से क्यों लिंक करना है ये समझने की कोशिश करें। आखिरकार राशन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करवाने की क्या जरूरत आ पड़ी है ये समझने की कोशिश करें आप। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीपीएल हो या एएवाई हो, कई सारे ऐसे गरीब गुरबा लोग हैं जो बीपीएल कैटेगरी के अंदर हैं, जो एएवाई कैटेगरी के अंदर हैं, जिनका मुनासिब हक बनता है। लेकिन कई सारे ऐसे अमीर लोग हैं, कई सारे ऐसे सरकारी मुलाजिम हैं जिनके पास आज की डेट में बीपीएल के राशन कार्ड हैं, एएवाई के राशन कार्ड हैं, और वो सरकार को बेवकूफ बनाकर गरीब अवाम का अनाज लूट रहे हैं। अब जब आप राशन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करवाएंगे तो इससे एक ट्रांसपेरेंसी आएगी कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो सरकारी मुलाजिम हैं, जिनका महाना 40-50 हज़ार से ज़्यादा की इनकम है, जिनकी सालाना 6-7 लाख रुपए की इनकम है, और उसके बाद भी वो लोग बीपीएल का फ़ायदा उठा रहे हैं, एएवाई का फ़ायदा उठा रहे हैं, और गरीब गुरबा लोगों के अनाज के ऊपर अपना हक जमा रहे हैं। सरकार ने इसी जिमन में सरकार चाहती है कि मैं जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई ट्रांसपेरेंसी लाना चाहूं, और नई ट्रांसपेरेंसी का मकसद यह है कि जो आधार कार्ड है उसे जो है वो आपके राशन कार्ड के साथ लिंक कर दिया जाएगा। उससे आपका सारा डाटा जो है वो सरकार के पास पहुंच जाएगा कि क्या ये वाकया में बीपीएल का हकदार है या नहीं है, क्या ये वाकया में एएवाई का हकदार है या नहीं है, या फिर ये सिर्फ सरकार को बेवकूफ बनाने में और गरीब गुरबा लोगों का अनाज लूटने में अपना एक रोल प्ले कर रहा है। साथ ही साथ आप लोगों को मालूम है कि राशन कार्ड जो है वो आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पे इस्तेमाल होता है। उसके साथ साथ आपका जो राशन कार्ड है, आपको ये भी मालूम है कि आपके राशन कार्ड से आपको वक्ती तौर ये राहत मिलती है कि आप जो है वो अनाज ले सकते हैं, और वो अनाज जो बाहर बड़े दामों में बड़ी कीमतों में मिलता है, सरकार के डिपो राशन स्टोर्स पे जो है वो बिल्कुल कम कीमतों में मिलता है। इसलिए राशन कार्ड का होना बड़ा ज़रूरी है, और राशन कार्ड कई जगहों पे जो है वो आइडेंटिटी ऑफ प्रूफ, प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल यह है कि क्या इस राशन कार्ड से गरीब लोगों को फ़ायदा मिलेगा ये सब करने से? तो बिल्कुल नाजरीन, इससे फ़ायदा मिलेगा। जो गरीब गुरबा लोग हैं उन्हें ये फ़ायदा मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गरीब गुरबा तबके के से जुड़े हुए लोग हैं वो जब ये सुनेंगे कि राशन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करवाया जा रहा है, जब वो लिंक करवाएंगे, जो लोगों की सैलरी अच्छी होगी, जो लोग बड़े अमीर लोग होंगे जिनका अखराजात अच्छे होंगे, वो लोग जो वो फंस जाएंगे। उन लोगों को बीपीएल से निकालकर, एएवाई से निकालकर अपर हायर कैटेगरीज में जो वो इन्वॉल्व किया जाएगा। यानी कि ये ट्रांसपेरेंसी लाने का सरकार का बहुत बड़ा वक्ती तौर एक स्टेप है, एक कदम है, जिसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ताहम अगर हम बात करें अभी तक की जो सूरत हाल बनी हुई है, तो उसमें यह बताया जा रहा है कि सरकारी मुलाजमों के पास भी जो है वो बीपीएल का राशन कार्ड पड़ा हुआ है, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, और गरीब गुरबा लोगों के हक के ऊपर जो है वो सरकारी मुलाजम अपना रोब जमाकर जो है वो सरकार से लूट रहे हैं और खसूट कर रहे हैं। तो इस सब में जो है वो एक बहुत बड़ा रोल भी प्ले करने वाली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फिलहाल के तौर के ऊपर ये एक बड़ा अच्छा कदम लिया जा रहा है। आप सब लोग इस खबर को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और तमाम आम शहरियों तक इसे पहुँचाने की कोशिश करें। आप दीजिएगा अपने मेज़बान को इजाज़त। देखते रहें डेली तस्किन। अल्लाह हाफिज़।